नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते इस बात की कोई संभावना नहीं दिख रही कि देवी पौलमी अपने भीतर किसी भी प्रकार के सुधार को लाने के इच्छुक है। असफलता पे असफलता मिलने के पश्चात भी चाल पे चाल चली जा रही है माते। देवेश की भ्रष्ट बुद्धि को और भ्रष्ट कर दिया। प्रवृत्ति देवऋषि, देवी पौलमी अपनी प्रवृत्ति को कभी परिवर्तित नहीं कर सकती और ना ही कभी अपनी पराजय को स्वीकार कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा इंद्रेश और स्वाति को अलग करने में असफल रही है। तो इस बार भी वो अप्रत्यक्ष रूप से स्वाति के सुहाग पर छल का प्रयोग करके प्रहार कर रही है। परंतु माते, इस बार देवी पौलमी के छल का शिकार यवोत कन्या समीक्षा। प्रेम में यही तो मुख्य बात समझने की है। यदि प्रेम निस्वार्थ हो तो राधा कृष्ण जैसा है। प्रेम यदि भक्ति हो तो मीरा का रूप है। परंतु यदि कोई प्रेम पर अपना अधिकार समझने लगे और उसे छीनने की कोशिश करे तो उसका अंत बहुत दुखद होता है, जैसा बबली के साथ हुआ था। अर्थात माते, आप ये कहना चाहती हैं कि ये कन्या समीक्षा ये भी बबली के मार्ग पे चल रही है। माते, किंतु माते, बबली का अंत तो बहुत ही भयावह हुआ था। स्वाति को समय रहते इस परिस्थिति को संभालना होगा, अन्यथा कोई भी अनर्थ हो सकता है। इंद्रेश, तुमने तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखो ना, स्वाति अभी बिल्कुल ठीक है, अब तो कुछ खा लो। नहीं समझी, हमको भूख नहीं। इंद्रेश, अगर तुम ऐसे जिद करोगे ना तो स्वाति का ध्यान रखते रखते तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ खा लो। हाँ इंद्रेश, खा लो ना। अच्छा ठीक है। माफ कीजिएगा समी जी, लेकिन ये ब्रेड वगैरह हम नहीं खाते। इंद्रेश, अब अगर तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तो तुम वही बोरिंग और पुराने टेस्ट में अटके रह जाओगे। अजूबा कैसे होगा तुम्हें नए टेस्ट का। सहमी जी, शायद आप तजुर्बा कहना चाह रही हैं। वेलकम बैक स्वाति। सी, मैडम ने तो मुझे करेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। दैट मींस कि स्वाति परफेक्टली फाइन है। अब तो खाना खा लो। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं। जब तक कुछ नया नहीं खाएंगे तो फिर टेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। अरे वाह, तो बहुत टेस्टी है। पहली बार खा रहे हैं लेकिन सच में मजा आ गया। ऐसे ही एक दिन जब तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल करोगे ना इंद्रेश, स्वाति को भूल जाओगे। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने रंग में रंग लूंगी। माते, जो भीतर से जितना सबल होता है उसे उतने ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ना माते, पुत्री स्वाति के जीवन से चुनौतियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। माते, अभी किसी प्रकार पुत्री स्वाति मृत्यु के मुख से बाहर आई है। पूर्ण रूप से अपने आप को संभाल भी नहीं पाई है माते, किंतु अब पुत्री स्वाति के समक्ष इतनी बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। माते, अब क्या होगा माते? इंजेक्शन नहीं लगवाना, कुछ भी करने के लिए तैयार है पर इंजेक्शन मत लगवाना प्लीज। कुछ नहीं होगा स्वाति, कुछ नहीं होगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, बस हो गया हो गया। और नहीं तो ने, हमें तो सच में पता नहीं चला। वही तो कह रहे थे। और वैसे भी तीस हुई तुम्हारा का बिगाड़ लेगी, अब इतनी बड़ी मुसीबत है कुछ नहीं कर पाए। देवेश ने हमें किडनैप किया था, हमें ये तो याद है, पर
ओके बात का हुआ पता नहीं होना करता वही हुआ जो उसके साथ होना चाहिए था। आओ जी ऊपर गोली चला दी लेकिन वो बच भागा। तो तुम जानती नहीं हो तो तुमको बेहोशी की हालत में कार की टिक्की में बंद करके भाग गया था। अगर तुमको ढूंढते हुए हम वहां नहीं आते तो पता नहीं कहां हो जाता। उसने फेस का जो होना है वो हमको रिंकी दीदी के लिए बहुत बुरा लगता है। ठीक तो है वो कहा ठीक होगी बेचारी लेकिन शादी दिवेश जैसे इंसान से हुई हो कैसे ठीक रह सकता। मगर एक बात है जब हम सबको लग रहा था कि दिवेश तुमको मार दिया है तो रिंकी ही थी जिसको पूरा विश्वास था दिवेश तुमको नहीं मार सकता। तो तुमने हमें कैसे ढूंढा इंद्रेश? संतोषी माता की मदद से उन्होंने हमको हिम्मत दी और हमें दिशा दिखाई। पति ये अंगूठी इसी की वजह से हम तुमको ढूंढ पाए। ये अंगूठी हमको उस गाड़ी के पास मिली जिस गाड़ी की डिक्की में तुम बंद थे। जब हमें ये अंगूठी बाबा ने दी थी तो उन्होंने कहा था कि अंगूठी समय पड़ने पर हमारे काम आएगी। शायद वो इसी समय की बात कर रहे थे। और ये दूसरी बार है इस अंगूठी की वजह से हम मिले। नारायण नारायण निसंदेह अद्भुत उपयोग में आई है ये मुद्रिका। माते माते कदाचित इसी अवसर के लिए महाबली श्री हनुमान जी ने ये मुद्रिका पुत्री स्वाति तक पहुंचाई। जब पुत्री स्वाति देवेश घर में बंदी थी। हाँ देव ऋषि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाबली ने अपने प्रभु श्री राम की मुद्रिका माता सीता तक पहुंचाई थी जब वो रावण के वहां बंदी थी। जब जब धर्म पर संकट आएगा जब जब किसी नारी की मर्यादा भंग करने रावण का जन्म होगा तब तब मैं उसकी रक्षा करने आऊंगा। नारायण नारायण अर्थात माते महाबली श्री हनुमान जी को इस बात का पहले से ही भान था कि पुत्री स्वाति को भविष्य में इस मुद्रिका की आवश्यकता होगी। संकट मोचन की लीला न्यारी है देव ऋषि। उन्होंने इतनी दूर तक भविष्य देख लिया था और उन्हें ज्ञात था कि ऐसे ही किसी समय पर स्वाति को इस मुद्रिका की आवश्यकता होगी। कोटि कोटि धन्यवाद महाबली आपका। कोटि कोटि धन्यवाद महाबली श्री हनुमान जी। कोटि कोटि धन्यवाद। इंद्रेश भाव जी कैसे? हमने कहा ना सब ठीक है तुम बस अब सो जाओ। हमें घर जाना है इंद्रेश सबसे मिलना है और माँ संतोषी का धन्यवाद भी करना है। सब करना है ना तो एक काम करना पड़ेगा। का? सोना पड़ेगा फिर अभी क्या अभी बिना कुछ बोले तुरंत जाओ सो जाओ। अम्मा स्वाति से मिलना चाह रही है तो हमने बताया अम्मा को कि स्वाति एकदम ठीक है अभी तो उनसे रहा नहीं जा रहा है। अरे पुत्र जी उसमें सोचने की क्या बात है मैं अभी हनी को भेज देता हूँ गाड़ी लेके प्रयागराज। हाँ भाई साहब आप बता दे दीजिए। अरे नहीं डीसी भाई साहब वो कल ही आ गई मायके से वापस। वैसे भी अब कर्फ्यू खुल गया है तो अब उनको यहाँ बुलाने के बजाय स्वाति को लेके वहीं चलेंगे। स्वाति बहुत बढ़िया देखभाल करेंगे घर पे। ये भी सही है भाई साहब। ये अचानक क्या प्लान बनाने लगे सब। मैं इंद्रेश को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दे सकती। अरे वाह बाबूजी आप तो हमारा दिन बना दिए ही हमको बता के। अच्छा चलो सब लोग अपना सामान जल्दी से बांधो ठीक है। ये क्या डैड अगर अंकल सबको साथ लेकर जा रहे हैं
तो ये पूरा रिजॉर्ट तो सूना पड़ जाएगा ना। तू सही कह रही है पुत्र, पर क्या करें, एक ना एक दिन तो इनको जाना ही था ना। हम देन वी आल्सो गो समवेयर ना, हम भी कहीं चलते हैं। वैसे भी पिछले दिनों यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अगर हम यहाँ अकेले रहेंगे तो हमें वही सब याद आता रहेगा। अरे अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो यहाँ ताला नहीं लटक जाएगा? कोई ताला नहीं लटकेगा। वैसे भी मेरा प्लान है पूरे रिजॉर्ट को रिनोवेट करा के पूरे धमाके के साथ रीओपनिंग करने का। देख, ये रिजॉर्ट कुछ दिनों तक बंद रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पुत्र, मैंने तुझे अमेरिका क्यों भेजा था पढ़ाई करने? हाँ, ताकि एक दिन तेरा डैड रिटायर हो सके। तो आज तेरा डैड रिटायर होता है, अब इस पूरे रिसॉर्ट की और बिजनेस की मालकिन तू है, तेरा जो मन आए वो करना। उसे और भी रिसॉर्ट है आपका? जी भाई साहब, हमारे ना चेन ऑफ रिसॉर्ट्स हैं। ये रिसॉर्ट को छोड़ के अलग अलग जगहों पे 10 और रिसॉर्ट है। हमारे बिटिया को ना सारे रिसॉर्ट्स को रिनोवेट करना है और फिर से रिलॉन्च करना है। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है बिटिया। जी भाई साहब, संतोषी माँ की कृपा से बहुत ही टैलेंटेड है हमारी बिटिया, और ये पूरे बिजनेस की मालकिन होना ना डिजर्व करती है। अब भाई साहब, मेरा और है ही कौन? बस यही तो है, सब कुछ इसी का तो है। चलता फिरता बैंक है ये लड़की, इतने सारे जायदाद की अकेली वारिस। हमारे दाम के पैतरे की आंधी के आगे स्वाति एक सूखे तिनके की तरह उड़ जाएगी। देवी पॉलिनी, हमें आशा है कि आप पुनः ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे महादेव के सामने हमें दोबारा लज्जित होना पड़े। देव राजेंद्र, हम आपकी पत्नी हैं, हम ऐसा कोई कार्य क्यों करेंगे जिससे आपका सर नीचे हो? हमें आपसे ऐसी ही अपेक्षा थी। आपके ध्यान का समय हो गया है देव राजेंद्र। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद देवी पॉलिनी। हमें कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है देव राजेंद्र, जो करेंगे हमारे प्रिय भक्त देवेश एवं सिंहासन सिंह लोभ में आके करेंगे। देव ऋषि, लोभ एक ऐसा कुआ है जिसमें गिरने के बाद निकलना असंभव हो जाता है। अनंत काल से इसी लोभ ने कई युद्ध को जन्म दिया है और कई राजाओं की राज्यों की बलि चढ़ाई है, परंतु इस लोभ और अहंकार का कभी समापन नहीं हुआ, ये बढ़ता ही चला गया। उचित कहा आपने माते, किंतु माते अब क्या होगा? वही होगा जो नियति में लिखित होगा देव ऋषि। ये लोभ पुनः स्वाति के जीवन में हलचल मचाएगा। नारायण नारायण, तो माते माते क्या हम पुत्री स्वाति की सहायता नहीं कर सकते? माते? So Dad, I'll start the renovation work now. और जब तक ये रिजॉर्ट रिनोवेट नहीं हो जाता तब तक हम बनारस वाले घर में चलकर रहे? क्या बात है पुत्र जी, आप तो बड़े स्मार्ट हो गए हो। बनारस में भी घर है आपका? जी भाई साहब। समीक्षा पुत्र, वो किसी को बोल के सफाई करवा दे घर की। हाँ? Okay, Dad. क्या भाई साहब, मतलब भिगा के जूता मार रहे हैं? इतना दिन हमारे परिवार का इतना आदर सम्मान किए, जब हमारी बारी आई तो मौका नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब अंकल? अरे बिटिया, तुम्हारा अपना घर है भदोही में, बनारस जाकर काहे रहोगे? कोई कहीं नहीं जा रहा, दोनों लोग हमारे साथ भदोही चलेंगे हमारे घर। इसीलिए तो मैंने ये सब कहा था, सो दैट आप खुद सामने से हमें इनवाइट करें, और आपने हमें इनवाइट कर दिया। थैंक यू सो मच अंकल। इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। कहाँ वहाँ बनारस में अकेले रहते, और यहाँ आपके घर पे एक ही छत के नीचे रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्यों समीक्षा पुत्र? व्हाटएवर डैड, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा है, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं,
चलिए जल्दी सामान बांधिए, चलें घर, ठीक है? अबे इंद्रेश को फोन करके पूछो कि स्वाति को डिस्चार्ज होने में कितना टाइम है, उसी हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे निकलने का। जी बाबूजी। अब बाबूजी, वो हमको आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अब जो बात करना है घर पे चल करना। देवेश जी, खबरदार उसका नाम मत लेना हमारे सामने। तुम भी भूल जाओ, तुम्हारी उसके साथ शादी हुई थी। पर बाबूजी, अगर नहीं भूल सकती तो जाओ उसके साथ। नहीं तो चुपचाप सामान बांधो, चलो अपने घर। बेटा तुम्हारे बाबूजी ने ठीक कह रहे, वो लड़का तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था, भूल जाओ उसे। चलो छोड़ो ये सब बातें, जाओ पैकिंग करो। अरे ऐसा मी बिटिया, अरे तुम भी अपना सामान उमान बांधो, मधो ही अपने मेहमानों का इंतजार कर रहा है। जी अंकल। डॉक्टर निजी, देखिए पति को क्या हुआ। हमको बार बार फोन काहे कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हैं मतलब? ना फोन कर रही है ना फोन उठा रही है, करे तो क्या करे हम? देखो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, अगर बाबूजी को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमको भी घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे चलते हम घर से बेघर नहीं होना चाहते हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि हम सब स्वाति को लेकर सीधा भदोही जा रहे हैं, इसलिए हमको फोन करना बंद करो। वैसे भी आपको फोन करने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि जितना हमको आपसे जानना था हम जान लिए। इनका बीपी बहुत हाई है। फिर क्या? वही प्रॉपर इलाज और दवाइयाँ। इसका मतलब हम ये हाल में स्वाति को घर नहीं ले जा पाएंगे? नहीं नहीं इंद्रेश, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें घर जाना है प्लीज। डॉक्टर निजी, हम ठीक है, हमें घर जाने दीजिए ना प्लीज। हॉस्पिटल में प्रॉपर अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है, मगर इनका इतना मन है घर जाने का तो आप डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा समय पर खाना पीना, नमक बिल्कुल कम और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं। आप चिंता ना करें, स्वाति की देखरेख में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर देती हूँ। आप इनको हर हफ्ते चेकअप के लिए लेकर आइए, चाहे यहाँ या फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास। जी। अब तो खुश हो ना, इतने दिनों बाद घर जाने का मौका मिल रहा है। बहुत खुश है इंद्रेश, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम अपने घर जा रहे हैं वापस। तो विश्वास कर लो, पर अम्मा हमारा इंतजार कर रही। अरे बस बस, नहीं नहीं, जब तक हमारा पोता नहीं आ जाता तुम किसी का पैर छूने के लिए नहीं झुकोगी। भैया आप बोले आए इलो स्वाति, तुम्हारी संतोषी माँ की तस्वीर तुम्हारे कमरे में रह गई थी, और इंद्रेश तुम्हारा सामान हम गाड़ी में रखवा दी है। ठीक है भाई। हम भी कहें कुंती देवी का फोन काहे नहीं आ रहा, आ गया। हाँ कुंती देवी, कहाँ पहुँचे आप लोग? अरे अभी निकले ही नहीं, तब तक कहाँ पहुँचे, फिर शुरू हो गई। अरे तो जल्दी निकलिए ना, अब हम रह नहीं पा रहे हैं स्वाति के बिना। कैसी है वो? स्वाति एकदम ठीक है, तुम खाली स्वागत की तैयारी करो, हम तुम्हारी बहू और पोते को लेके आ रहे हैं घर। अरे अपने बहू और पोते का स्वागत हम ऐसा करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। पहले घर तो आइए आप लोग, अब एक एक मिनट
हमारा एक एक साल के जैसा बीत रहा है, जल्दी आ जाइए। हाँ बड़के भैया, अब आप सब लोग बस जल्दी से घर आ जाइए, हम सब लोग पलके बिछाए बैठे हैं। भैया घर की लक्ष्मी को जल्दी से घर वापस ले आइए। ठीक ठीक। स्वाति, इंद्रेश, सिंहासन भाई साहब और अभय के साथ हॉस्पिटल से सीधा भदोही के लिए निकल पड़े। बस मुझे तो यही इंतजार है कि हम कब भदोही पहुंचे और कब मैं स्वाति पुत्र से मिलूं। And I can't wait to see Indresh. इसके साथ एक ही घर में रहेंगे अब हम।